नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंटेसी दुनिया में। गाइस, वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लंका प्रीमियर लीग T20 का मैच जो खेला जाएगा जीजी वर्सेस जेके के बीच। अब वीडियो में क्या कुछ मिलेगा, वीडियो में इन डेप्थ एनालिसिस, लास्ट ईयर परफॉर्मेंस दोनों टीम का। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, ये दोनों टीम ना लास्ट ईयर 3 बार खेला था। अब 3 बार में से ना 3 बार किसने विन किया था, जेके ने विन किया था। अब इस बार जो टीम बैलेंस अगर आप देखोगे दोनों टीम का, तो यहाँ पे भी ना जेके जो है ना मेरे हिसाब से बहुत क्वालिटी बैटिंग लाइनअप के साथ और एक अच्छा बॉलिंग यूनिट के साथ उतरेगा। एंड आई थिंक ये मैच जीतने का 70-80% चांस है जेके का, और इनके जो ओपोनेंट है केवल 20-30% चांसेस है विन करने का। एंड मैं इस वीडियो में इन डेप्थ इनके लास्ट ईयर परफॉर्मेंस, प्लेयर्स प्रोबेबल बैटिंग ऑर्डर, परफॉर्मेंसेस रिसेंट और ओवरऑल रिकॉर्ड सब कुछ मिलने वाला है आपको इस वीडियो में। तो मेक श्योर करना आप वीडियो अंत तक देखो, पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप लोग चैनल में न्यू हो तो बताना चाहूंगा। बेसिकली हम लोग डोमेस्टिक मैचेस कवर करते हैं, फिलहाल लंका प्रीमियर लीग, अबू धाबी T10 जैसे मैचेस के कवरेज मिलेंगे, और ऐसे ACS OMS मैचेस एक्सक्लूसिव कवरेज इस चैनल में मिलते रहता है। बंगाल T20 का कवरेज मिल रहा है, तो अगर आप लोग चैनल में न्यू हो एंड ड्रीम 11 में बहुत सारे मैचेस खेलना चाहते हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड फाइनल अपडेट इस मैच का 7:30 बजे ये मैच स्टार्ट होगा, टेलीग्राम पे मिलेगा। साथ ही साथ फ्यूचर में भी मैचेस के अपडेट टेलीग्राम पे मिलेंगे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे टेलीग्राम आप ज्वाइन हो जाना। कमेंट सेक्शन में भी पिन क्या हुआ रहेगा, ब्लू कलर का लिंक से आप आराम से टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हो। और जिन भाई का ना लिंक काम नहीं करेगा वो भाई सर्च भी कर सकते हैं @TeamFDF टेलीग्राम पे जाके, जहाँ पे आपको फाइनल अपडेट दिया जाएगा। ठीक है, आता हूँ मैं एनालिसिस में। आप लाइक करके स्टार्ट रखना, इससे मोटिवेशन अच्छा रहता है। वेन्यू कहाँ होगा, वेन्यू होगा कोलंबो में खेला जाएगा ये मैच। एवरेज स्कोर यहाँ पे 150 बनना चाहिए। अब देखो मैं दो चीज बताना चाहूंगा, अब साउथ अफ्रीका श्रीलंका टूर था, वहां पे रन ज्यादा बन नहीं रहा था, इवन साउथ अफ्रीका भी बहुत कंफर्टेबली हाई स्कोर नहीं बनाया था। ठीक है, विकेट थोड़ा स्लो बिहेव कर रहा था। एक और चीज मैं बताऊं जो इस मैच का सबसे बड़ा पंत होगा, साउथ अफ्रीका जो श्रीलंका टूर था ना उसमें क्या हुआ था, टॉप 5 विकेट टेकर कौन थे आपको मालूम है? टॉप 5 कुछ फॉर्चून था, फिर था वाइनुंदो हसारंगा श्रीलंका से था 5th रैंक में, एवन एडन मार्क्रम थे गाइस, और केशव महाराज, तबराई शमसी, पांचों टॉप 5 ना बॉलर था। तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, जो बॉलर था वो था क्या, स्पिनर्स थे। तो यहाँ पे पिच थोड़ा सा स्लो है, लो है, और स्पिन थोड़ा ज्यादा हेल्प कर रहा है, तो ये पॉइंट में मैं बाद में आता हूँ। फिलहाल हम लोग दूसरे पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि 7:30 बजे ये मैच स्टार्ट होगा, फाइनल अपडेट आपको 7:30 से पहले तक टेलीग्राम पे आ जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना। क्लियर वेदर रहना चाहिए तो गाइस मैच भी पूरा होगा। ठीक है, 2021 में 6 मैच खेले गए थे, 4 बैट फर्स्ट 2 बैट सेकंड ने विन किया। टॉप 5 मैं इंटरनेशनल का बात कर रहा हूँ, टॉप 5 विकेट टेकर कौन थे, स्पिनर थे, जो साउथ अफ्रीका श्रीलंका सीरीज भी था उसमें भी हम लोग देखे थे स्पिनर्स ने ज्यादा डोमिनेट कर रहा था, ठीक है, तीनों मैच में। ठीक है, टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में पिन क्या हुआ मिलेगा, और सर्च भी कर सकते हो @TeamFDF जहाँ पे आपको फाइनल अपडेट दिया जाएगा। लास्ट ईयर स्टार परफॉर्मर कौन था लंका प्रीमियर लीग, मतलब 2020 सीजन में, थिसारा परेरा 10 मैच में 261 रन 5 विकेट। अब इनके ऊपर मैं आऊंगा, बट एक चीज ध्यान देना, इन्होंने केवल 5 ही विकेट निकाला था। अविष्का ने कमाल का बैटिंग, 275 रन 9 मैच में, शोएब मलिक 203 रन, रन बहुत कम है, 20 का एवरेज हो जाएगा अगर आप देखोगे पार मैच में। इम्पैक्ट वाइनेंदु हसारंगा 17 विकेट थे 10 मैच में 127 रन। अब भी वाइनेंदु हसारंगा ना और बेटर बैट्समैन बन रहा है, और मुझे लगता है कि और 2-3 साल में और बेटर बन जाएंगे, और आई थिंक श्रीलंका के लिए बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर सब कुछ होने वाला है वाइनेंदु हसारंगा। सुरंगा लकमल ने 7 मैच में 8 विकेट निकाला, बट इंटरेस्टिंगली केवल 19 ओवर डाले, पार मैच में 3 ओवर से कम। उस्मान शिनवारी पार मैच में 3 ओवर के आसपास, 7 मैच में 21 ओवर में 9 विकेट था। ठीक है, जी गाइस अगर देखोगे ना ये फाइनल खेला था जेके के खिलाफ, और तीनों मैच में ना जेके ने विन किया था। ठीक है, मतलब 2 ग्रुप लीग के मैचेस और 1 फाइनल मिला के 3 मैच। गुना तिलका 10 मैच में 476 रन, वन ऑफ द लीडिंग रन गेटर थे, लीडिंग रन गेटर ही थे गाइस। भनुका का 10 मैच में 180 रन, धनंजय लक्षण 8 मैच में 77 रन, मोहम्मद अमित 2 मैच 10 मैच में 38 ओवर में 11 विकेट था मोहम्मद आमिर का। धनंजय लक्षण ने 8 मैच में ना 26 ओवर में 13 विकेट भी निकाले। तो ये डी लक्षण बैटिंग और बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस था इनका, तो ये एक आपके लिए मेरे हिसाब से इस मैच में डिफरेंशियल पिक हो सकता है डी लक्षण। हाँ, प्लेयर स्टैटिस्टिक्स में आता हूँ, उससे पहले हल्का सा बैटिंग ऑर्डर। गुना तिले का ओपन करेंगे, प्रोबेबली करना चाहिए मेरे हिसाब से कुशल मेंडिस के साथ। भानुका राजापक्षे को वन सॉरी गाइस राजापक्षे वन डाउन खेलेंगे,
हफीज खेलेंगे टू डाउन, समित खेलेंगे फिर इसुरू, अनवर अली, डिलक्शन। बहुत खराब ऑर्डर नहीं है गाइस, लास्ट ईयर से मेरे हिसाब से ना थोड़े से मुझे बेटर लग रहे, स्पेशली इसुरू उठाना, अनवर अली थोड़ा सपोर्ट देंगे, और ये दोनों ना हार्ड हिटिंग भी करा सकता है। अगर ये दोनों का बैटिंग 17 या गाइस 16 ओवर के बाद आया ना, तो दोनों हार्ड हिटिंग करा के ना स्कोर अच्छा करा सकता है। एकदम से वन साइडेड मैच नहीं होगा, बट मुझे लगता है कि इनके पास जो बॉलिंग यूनिट है ना वो थोड़े से वीक है, बहुत कुछ डिपेंड करेगा मोहम्मद आमिर के ऊपर। डी लक्षण बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट लास्ट सीजन इनका अच्छा था, ठीक है। अब थोड़े से मैं रिकॉर्ड्स पे आता हूँ प्लेयर्स का। मोहम्मद शमाज़ हमें इनको नहीं लेना है, ओवरऑल रिकॉर्ड देख लो 3 मैच में 70, रिसेंट रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, नहीं लेंगे, ठीक है। कुशल मैंडिस देखो, दो चीज़, ओवरऑल रिकॉर्ड देखोगे तो 26 का एवरेज बहुत ख़राब नहीं है, बट जो इम्पॉर्टेंट बात है ना, रिसेंट रिकॉर्ड थोड़े बहुत ज़्यादा एट्रेक्टिव नहीं है। बेशक इन्होंने डोमेस्टिक खेला है और इंटरनेशनल खेला है, बट इनके रिकॉर्ड्स मेरे हिसाब से बेटर होना चाहिए। एक अच्छे प्लेयर है, बहुत ज़्यादा इनके पास मतलब जो श्रीलंका सिलेक्टर्स था बहुत ज़्यादा भरोसा भी किया था, बट ये हर बार कुछ ऐसे परफॉर्मेंस था इनका, गुना तिलक आपकी टीम में जरूर होना चाहिए। मैं अलग से इंट्रोड्यूस नहीं कराऊंगा ओवरऑल रिकॉर्ड लिखा के, क्योंकि सबको मालूम है ये प्लेयर कितने कैपेबल है। रिसेंटली श्रीलंका के लिए इंटरनेशनल भी खेलते हैं, आपकी टीम में जरूर होना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर ये हाईएस्ट रन गेटर भी था इसी टूर्नामेंट में, मैंने ऊपर में बताया भी था, 470 प्लस रन था इनका। भानुका राजापक्षे रिसेंटली T10 जो था अबूधाबी उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दे के आ रहा है, इनको ड्रॉप करना रिस्क होगा। बट मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर टीम बैट फर्स्ट कर रहा है ना, भानुका राजापक्षे को जरूर रखो, अगर बैट सेकंड कर रहा है और ये अगर टू डाउन खेल रहे हैं ना, तो उस सिचुएशन में हम लोग रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ओपोनेंट जो है ना उनके पास एक क्वालिटी बैट बॉलिंग यूनिट है, खास करके वानिंदो हसारंगा है जो मिडल ऑर्डर में बॉलिंग कराएगा। राजापक्षे नो डाउट एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, स्टिल इनको भी टफ होगा शॉट मारना, जो बिकॉज वानिंदो हसारंगा बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल हाई है उनका, अच्छा बॉलिंग भी करा रहा है। एंजेलो जयसिंह फिलहाल मैं नहीं लूंगा, क्योंकि रिसेंट रिकॉर्ड बहुत हाई नोट्स नहीं है, ओवरऑल रिकॉर्ड में 27 का एवरेज है डोमेस्टिक T20 में, ठीक है। समित पटेल देखो, ध्यान दो, जनता लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग का ना निकल के आता है हमारे लिए पंत पॉइंट्स। अगर आप बहुत बारीकी से देखोगे समित पटेल का रिसेंट मैचेस, इन्होंने जो अबूधाबी T10 था बहुत ज़्यादा बॉलिंग नहीं कराया, हाँ थोड़े हिट एंड मिस नेचर के प्लेयर है, बड़े बड़े शॉट्स लगाते हैं, बट हिट एंड मिस नेचर के प्लेयर है। और एक बात जो है ना वो है, क्या है, लेस बॉल इन CPL 2। इन्होंने अबूधाबी T10 में भी बॉलिंग बहुत ज़्यादा नहीं किया, CPL में भी शायद 11-12 ही ओवर डाला था, बहुत ज़्यादा बॉलिंग नहीं डाले थे। तो समित पटेल बॉलिंग थोड़ा कम करा रहा है, टीम अगर गाइस 5 जेन्युइन बॉलिंग ऑप्शन के साथ उतरता है, साथ ही साथ अगर एक एक्स्ट्रा पार्ट टाइमर रहता है, तो शायद समित पटेल एक से ज़्यादा ओवर, एक से दो ओवर से ज़्यादा ना ही डाले, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रिस्क ले सकते हैं, ऐसे भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है समित पटेल, और ओपोनेंट के पास कैसे बैट्समैन उतरेंगे उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि टॉप 2 में जो है ना रामनुल्ला गुरबास और अविष्का फर्नांडो दोनों राइट हैंडेड बैट्समैन है, यहाँ पे समित पटेल यूज़ हो सकते हैं। बट इसके बाद उपल थरंगा है जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आ चुके हैं, और बाकी सब राइट हैंडेड बैट्समैन, एक इशारा पर मिडल ऑर्डर में लेफ्ट हैंडेड, तो ऐसा नहीं है कि ओपोनेंट के पास बहुत ज़्यादा राइट हैंडेड बैट्समैन है। तो समित पटेल इस मैच में यूज़ हो सकते हैं, बट फ्यूचर में इस टूर्नामेंट में आई थिंक बहुत ज़्यादा एज अ बॉलर समित पटेल आपको देखने को ना मिले। राइट आर्म ऑफ स्पिन मोहम्मद हाफिज, ओपोनेंट के पास अगर देखोगे उपल थरंगा को छोड़ के सभी राइट हैंडेड बैट्समैन है, तो चांसेस कम लग रहे हैं मुझे ये बॉलिंग एज अ बॉलर। बट मोहम्मद हाफिज ऑब्वियसली समित पटेल से बहुत क्वालिटी बैट्समैन है, इन्होंने रिसेंट मैचेस में बैटिंग नहीं किया था बहुत ही सरप्राइजिंगली, अबूधाबी T10 में नीचे खेले थे शायद, बट हाँ CPL में इन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था, ठीक ठाक था, इंटरनेशनल भी खेले थे, बट अगर ओवरऑल देखोगे एज अ पैकेज मोहम्मद हाफिज रिसेंटली CPL में बोलो आप या कहीं पे भी बोलो बॉलिंग करा रहा था एक आधा ओवर, और इसके बाद इन्होंने बैटिंग भी किया, एंड मैं हमेशा प्रेफर करूंगा एज अ बैट्समैन समित पटेल से बहुत बेटर है मोहम्मद हाफिज। तो अगर बैट फर्स्ट होता है तो मोहम्मद हाफिज को आप जरूर बैक कर सकते हो, एक क्वालिटी बैट्समैन है, एक्सपीरियंस बैट्समैन है। लहिरू मदाशंका अगर देखोगे रिसेंट रिकॉर्ड ठीक ठाक है, लेफ्ट आर्म मीडियम है, बॉल फर्स्ट करेगा तो डिफरेंशियल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर बॉलिंग अच्छा किया तो डेथ भी मिला सकता है, तो ट्राई कर सकते हो आप अगर बॉल फर्स्ट हुआ तो, अदरवाइज मैं शायद ना लूँ। ओवरऑल 4 मैच में इनका 10 ओवर में 4 विकेट। पुलिना थरंगा फिलहाल मैं नहीं लूँगा, रिकॉर्ड मुझे बहुत ज़्यादा तो अच्छे नहीं लगे, ठीक ठाक रिकॉर्ड लगे रिसेंटली लिस्ट में, इससे बेहतर रिकॉर्ड तो शायद ही आपको मिलेगा। ओवरऑल 51 मैच में ना 44 विकेट है, मतलब थोड़े विकेट कम है T20 में पार मैच में, ठीक है, एवरेज ठीक ठाक है, बट मुझे नहीं लगता चांस मिलेगा फर्स्ट मैच में। सुमिंदर लक्षण अगर आप देखोगे तो डिफरेंशियल ट्राई कर सकते हो, एक लेग स्पिन बॉलर है जो 16 मैच में 8 विकेट निकाले हैं, बट रिसेंट परफॉर्मेंस इनका देखोगे लास्ट 2 मैच में ठीक ठाक था, तो GL में ट्राई करने से कर लेना, क्योंकि ऐसे भी पिच जो है ना थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली होने वाला है। मोहम्मद आमिर ध्यान देना, जनता शायद इनको इग्नोर करेगा, बट बॉल फर्स्ट जरूर ले सकते हो, क्योंकि हाई चांसेस से डेथ कराएगा, अपने 4 ओवर कंप्लीट भी कराएंगे, सीनियर प्लेयर है,
मेरा पसंदीदा वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है मोहम्मद आमिर। ऊपर से सीपीएल में देखोगे तो रिकॉर्ड अच्छा था। अबू धाबी टी10 में इनका फ्लॉप हुआ, रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं हुआ, बट अबू धाबी टी10 में केवल दो ही ओवर बॉलिंग करने को मिलता है और यहाँ पे इनको चार ओवर मिलेगा, उनमें से दो ओवर ये डेथ में कराएगा और दो ओवर पावर प्ले में डालेंगे। अनवर अली अगर जाओ अब देखोगे तो रिसेंट मैचेस में इन्होंने बॉलिंग बहुत ज़्यादा किया नहीं था। ओवरऑल करियर देखोगे तो रिकॉर्ड ख़राब नहीं है, बट रिसेंट मैचेस में इन्होंने बहुत ज़्यादा बॉलिंग कर नहीं रहा है। तो टीम अगर वही बात पांच बॉलिंग ऑप्शन जेन्युइन रहता है तो शायद ये बॉलिंग ज़्यादा ना करे, तब हम लोग इनको नहीं लेंगे। ठीक है, इसुरुदाना हमें लेना है, स्पेशली बॉल फर्स्ट जरूर लेना है क्योंकि हाई चांसेस है कि मोहम्मद आमिर और इसुरुदाना आपको इस टीम से डेथ बॉलिंग करते हुए दिखे, तो दोनों को अपनी टीम में रख सकते हो। नुवान दुसारा फिलहाल आप इनको इग्नोर करो, 38 मैच में 50 विकेट है, राइट आर्म मीडियम, डेथ नहीं कराएगा, चांसेस कम है, रिसेंट रिकॉर्ड मुझे बहुत अच्छे लगे नहीं। धनंजय लक्षण अगर देखोगे 35 मैच में 19 विकेट है इनका, रिसेंट रिकॉर्ड देखोगे कभी बॉलिंग करते हैं कभी बॉलिंग नहीं करते हैं, बट लास्ट टाइम लंका प्रीमियर लीग में बहुत कमाल का बॉलिंग किया था इन्होंने। डिफरेंशियल पिक ट्राई कर सकते हो, बैटिंग भी करा लेते हैं कभी बॉलिंग करा लेते हैं, बट वही बात घूम फिर के आ रहा है कितने बॉलर्स यूज हो रहे हैं। अगर ये वाला टीम खेलता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें ऑलरेडी दो डेथ बॉलर है, मोहम्मद आमिर हो चुके हैं, इसुरुदाना आ चुके हैं, ठीक है, अब इनको बैकअप कौन कराएगा? इनको बैकअप करा सकता है डी लक्षण, अगर दोनों में से किसी का दिन खराब गया तो बैकअप डेथ बॉलिंग ऑप्शन में डी लक्षण यूज हो सकते हैं। ठीक है, ए दानियाल अगर देखोगे राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, 11 मैच में 14 विकेट सॉरी रिसेंट मैचेस लिस्टे में कुछ ज़्यादा हाई नोट्स मुझे लगे, अच्छा लगे, हाँ लगे सॉरी, बट दो विकेट पा चुके, दो विकेट है, बट देखो अब ये राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, ओपोनेंट के पास एक मैच मात्र बैट्समैन है जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, वो कौन है? उपुल खरंगा। फिर नीचे आ जाते हैं इनके जब मिडल ऑर्डर आ जाएंगे ना इनके, वो आ जाएंगे लाइक तीसरा पेरारा हो गया, ऐसे प्लेयर्स हो जाएंगे, बट अदरवाइज अगर देखोगे टॉप फाइव में एक उपुल खरंगा है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, तो ये शायद ज़्यादा यूज़ ना हो इनका, तो फिलहाल हम लोग इनको नहीं लेंगे दानियाल को। ठीक है, दिलशन मधुशंका 4 मैच में 4 विकेट है केवल, रिसेंट रिकॉर्ड अच्छे नहीं है, और केविन कोथी कोडा जो भी है नाम इनका, 11 मैच में 11 विकेट है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, फाफ डुप्लेसिस नहीं खेलेंगे, ठीक है, अब जो दे रहा है रिकॉर्ड वो छोड़ दो, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये खेलेंगे नहीं, ये कुछ स्टेटमेंट दे दिया था कि ये खेलने नहीं वाले, तो ऐसे ही गैस जो प्लेयर को मैं यहाँ पे ड्रॉप करा रहा हूँ, मिस करा रहा हूँ, लाइक तबराई समसी हो गया, ये लोग नहीं खेलेंगे तो इनको भूल जाओ। ठीक है, जेके से अगर मैं बात करूँ, इनसे ओपन कराएगा गुरबास फर्नांडो के साथ, उपल थरंगा आएंगे, शोएब मलिक, वाइनिंदो हजारंगा, तिशारा पेरेरा, तो अगर देखोगे टीम मुझे बहुत ज़्यादा बैलेंस लग रहा है कंपेयर टू इनका ओपोनेंट, स्पेशली इनके जो बॉलिंग है ना मुझे ज़्यादा बेटर लगे, वह ब्रियाज है, शिनवारी और जैडन सिल से कोई एक ठीक साना है जो रिसेंटली इंटरनेशनल में अच्छा खेल के आ रहे। ठीक है, तो ये चारों बॉलर अच्छे हैं, ऊपर से वाइनिंदो हजारंगा जैसे बॉलर है, तो इनके पास जो बॉलिंग अटैक है ना वो एक क्वालिटी इंटरनेशनल बॉलिंग अटैक है, तो इनके खिलाफ रन करना ऑब्वियस सा बात है मुश्किल होगा। थोड़े से रिकॉर्ड में देख लेता हूँ, रमनुल्ला गुरबास करेंटली इन्फॉर्म है अबू धाबी टी10 में, टीम में रखना ही है इनको। ठीक है, क्रिशन अराचिक इन्होंने खेलना है तो ओपन करना है, बट मुझे नहीं लगता शुरू में खेलेंगे क्योंकि चार शायद फॉरेनर खिला सकता है लंका प्रीमियर लीग में, तो ये नहीं खेलेंगे, खेलेंगे तो ओपन करेंगे बाद में। ठीक है, अविष्का फर्नांडो 58 रन है एक मैच में, बाकी मैच में इनका थोड़ा ऑफ था रिसेंट परफॉर्मेंस, बट सबको मालूम है अविष्का फर्नांडो कितना ज़्यादा अच्छा प्लेयर है और एक क्वालिटी बैट्समैन है जो क्लासिकल बैट्समैन है, टेक्निकली साउंड है, हमें लेना है। ठीक है, शोएब मलिक अब ये एक ऐसे प्लेयर है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे हिट एंड मिस है, लास्ट सीजन में 10 मैच में 201 रन बनाया था, मैंने ऊपर में बताया, बट 10 मैच में 201 रन बनाएगा कोई प्लेयर और हर मैच में अगर 20 एवरेज होगा उसको हम लोग ड्रीम 11 में नहीं सजेस्ट कर सकते। ऐसा नहीं है कि प्लेयर खराब है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, सब कुछ ठीक है, बट वहीं पे थोड़े से हिट एंड मिस हो जाते हैं, अक्सर ये बड़े इनिंग्स खेलते हैं गाइस चेजिंग के टाइम पे, और टीम जब खराब खेलता है मतलब टॉप ऑर्डर अगर कोलैप्स करता है तो अपनी टीम में इनको ट्राई कर सकते हो, बट रिसेंट परफॉर्मेंस में बॉलिंग इनका बहुत कम है, बॉलिंग किया ही नहीं गाइस, तो हम लोग शोएब मलिक को फिलहाल नहीं लेंगे। ठीक है, उपुल थरंगा को हम लोग ट्राई कर सकते हैं अगर बैट फर्स्ट हुआ, अदरवाइज मत लेना क्योंकि टीम के पास एकमात्र लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है मिडल ऑर्डर में जो जेन्युइन बैट्समैन है, तिशारा पेरेरा नीचे खेलेगा। और रंडी का जो है गाइस ओवरऑल कुछ मैच है इनका, 35 मैच में 29 के एवरेज से 25 के एवरेज से 35 मैच में सॉरी ये 29 कहाँ से आ गया, 29 के एवरेज से 699 रन, लिस्ट है रिसेंट रिकॉर्ड, लास्ट दो मैच खराब था उससे पहले ठीक ठाक था, फिलहाल हम लोग दूर रहेंगे इनसे भी। हसन बंदारा रिसेंट लिस्ट रिकॉर्ड ठीक ठाक है, बहुत हाई नोट्स नहीं है, बट 27 मैच में ना इनका 29 का एवरेज है 494 रन, तो डिफरेंशियल बैट्समैन ट्राई कर सकते हो हसन बंदरा को, वाइनिंदो हजारंगा यार कमाल का प्लेयर है, रिसेंट अबू धाबी टी10 इनका अच्छा था, ओवरऑल रिकॉर्ड देखोगे बढ़िया है, आपकी टीम में मस्ट मस्ट पिक, और 17 विकेट था लास्ट सीजन में, हाईस्ट विकेट टेकर थे ये, करेंटली बैट्समैन भी इम्प्रूव हो चुका है ये बहुत ज़्यादा,
तो ऑब्वियस सा बात है कैप्टन वाइस कैप्टन बेशक आप वैन इंदर सरंगा के साथ जा सकते हो, बट एक चीज मैं बताऊं जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है क्या है, जनता क्या करेंगे, शोएब मलिक, मोहम्मद हाफिज, तिसारा पेरेरा, समित पटेल, ये चार प्लेयर है जो आपकी टीम के आपके ओपोनेंट टीम में इन चार में से एटलीस्ट दो जरूर होगा, ये पे आपको रिस्क लेना है किसको लेना है किसको नहीं। तिसारा पेरेरा अगर ध्यान से देखते हो लिस्ट ए में गाइस 18 मैच 18 रन 1 विकेट 16-0 रिसेंटली लिस्ट ए डोमेस्टिक, हाँ जो श्रीलंका में खेला गया, 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, मतलब बैट्समैन तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ ही नहीं तिसारा, ऊपर से गाइस एज अ बॉलर भी ना एकदम से गाइस ये बहुत ज्यादा विकेट नहीं निकाला। तो बॉल फर्स्ट मेरे हिसाब से तिसारा पेरेरा, कैप्टेंसी करेंगे तो बॉलिंग करा ले डेथ में तो आप ट्राई कर सकते हो, बट बॉल सेकंड मेरे हिसाब से आप इनको इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। चतुरंगा डी सिल्वा अगर देखोगे एक ऐसे प्लेयर है जिनके पास क्वालिटी है बट एकदम से मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, ना ही एकदम रॉ विकेट टेकर है ना ही एकदम रॉ बॉलर है। रिसेंट डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्मेंस है इनका, एक मैच में 3-2-1-1 है, ओवरऑल रिकॉर्ड ठीक है इनका, बट अगर ओवरऑल T20 रिकॉर्ड देखोगे ये लिस्ट ए का रिकॉर्ड है, रिसेंट जो डोमेस्टिक खेला गया था ओवरऑल रिकॉर्ड 99 मैच में 81 विकेट, गाइस मोस्ट प्रोबेबली लिस्ट है, हाँ मैं अगर गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट फिलहाल हम लोग इनको नहीं लेंगे क्योंकि अगर देखेंगे हम लोग टीम के पास कितने सारे बॉलर्स के लिए जो जेन्युइन बॉलर है जिनके हाई चांसेस है बॉलिंग कराने का, एक यहाँ से तो खेलेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हसारंगा, अब छठा बॉलिंग ऑप्शन तिसारा पेरेरा खुद रहेंगे और चतुरंगा डी सिल्वा होगा, तो छठा और सातवा बॉलिंग ऑप्शन ये दो होंगे, फिर आएंगे शोएब मलिक, तो टीम के पास ऑलरेडी बहुत सारे बॉलर है, ये सोचते हैं हम लोग इनको शायद इग्नोर करें, आप चाहो तो जेल में जरूर ले सकते हो अगर आपको लगता है कि 2-3 विकेट एक ही ओवर में निकालेंगे तो, ठीक है। ये दिनोशन को छोड़ दो, वहाब रियाज देखो रिसेंट परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है बहुत हाई नोट्स है, बट ये T10 अबू धाबी में था, बट उससे पहले अगर बहुत बारीकी से देखते हो PSL में भी देखते हो तो वहाब रियाज बहुत अच्छे फॉर्म में थे, PSL में भी अच्छे विकेट निकाल रहे थे, स्पेशली बॉल फर्स्ट हाई चांसेस है डेथ कराएंगे, जरूर टीम में रखना और कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। महेश थिक्साना अगर देखोगे राइट हैंडेड बैट्समैन राइट आर्म ऑफ स्पिन, करंट परफॉर्मेंस इनका डिसेंट था, खास करके वर्ल्ड कप में एक आधा मैच में इन्होंने बहुत ही अच्छा बॉलिंग किया, तो हमें फिलहाल इनके साथ हम लोग बन सकते हैं, ऊपर से जो पिच है कोलंबो का वो स्पिन फ्रेंडली होने वाला है। सुरंगा लकमल का कुछ ऐसा रिकॉर्ड, उस्मान खान शिनवारी, गाइस सुरंगा लकमल और उस्मान खान शिनवारी को भी आप अपनी टीम में जरूर ट्राई कर सकते हो, स्पेशली मेरा मानना है कि उस्मान खान शिनवारी अगर बॉल फर्स्ट हुआ तो थोड़े बेटर हो जाएंगे और सुरंगा लकमल अपने 3 से 4 ओवर कंप्लीट कराएंगे, वन साइड टीम में ट्राई करना। जेरिन सिल्स को जेल में ट्राई कर सकते हो, ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनको फिलहाल अब मेरे हिसाब से इग्नोर रखो क्योंकि बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। हेड टू हेड रिजल्ट्स में अगर देखोगे जेके 188 बनाया था, 135 जीजी ने हार गया था, देखो जेके हमेशा जीतेगा। कुछ प्लेयर्स शोएब मलिक यहाँ पे जब टीम कोलैप्स हुआ था तब अच्छा 188 रन बनाए थे, उसमें पार्टिसिपेट किया था, 39 तिसारा पेरेरा का था, 2 विकेट था शिनवारी, 1 विकेट था सरंगा, भनुका का 40 था, लक्षण का 3 विकेट था, मोहम्मद आमिर का था 1 विकेट, फिर जे जे ने गाइस बैटिंग फर्स्ट करते 170 बनाया, जे एस ने यहाँ पे भी चेस कर लिया, गुना तिलका का रन, धनंजय लक्षण देखो नाम कम गाइस बार बार आएगा, अविश का 84, वाइनंदो बैट बॉल से परफॉर्मेंस, फिर जीजी ने 175 तो जेके ने 176 चेस किया, गुना तिलका फिर से आ चुके हैं, मोहम्मद आमिर यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे अविश का फर्नांडो का था 92, फिर से वाइनंदो का फिर से 2 विकेट, तो ये कुछ प्लेयर्स है वाइनंदो अविश का फर्नांडो जो बार बार आ रहा है। कैप्टन चॉइसेस वन इन द हसरंगा सेफेस्ट है, अविष्का पंत है मेरे हिसाब से, तिसारा पेरेरा ये पब्लिक पिक है, मैं शायद इनके साथ ना जाऊं, अविष्का के साथ मैं जाऊंगा जरूर, वन इन द के साथ भी जाऊंगा, वहाब रियाज आई थिंक बॉल फर्स्ट करेगा तो वीसी कैप जरूर बना सकते हो बेशक, और हमनेला गुरबाज ना थोड़े हिट एंड मिस है बट एक चीज मत बताओ स्ट्रॉन्ग टीम से बिलोंग कर रहे ना तो जरूर ट्राई कर लेना। ये रहा मेरा फिलहाल टीम, मैं देखो वन साइडेड ऑलमोस्ट टीम बना लिया फिलहाल, आमिर इसरुडाना दोनों को लिया, यहाँ दोनों से कोई एक को लूंगा अगर सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग हुआ, आई रिपीट अगर इनका पहले इनिंग्स में बॉलिंग हुआ मैं दोनों को रखूंगा, अगर सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग हो रहा है दोनों में से किसी एक, मोहम्मद हाफिज को मैं रखूंगा अपनी टीम में जो क्वालिटी प्लेयर है, धनुष का गुनातिलका, भानु का राजापक्षे हुआ। ये रहा मेरा फिलहाल टीम, फाइनल अपडेट आफ्टर टॉस टेलीग्राम पे आएगा, टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, थैंक यू गाइस, बाय।